Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's me, Maryam Wahid. कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे. और आज मैं फिर से एक रेस्टोरेंट का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि है क्लॉक टावर. आज हम लोग जा रहे हैं क्लॉक टावर जो है सी व्यू पे है, बिल्कुल ही क्लिफ्टन पर है. और इंशाल्लाह आज आप लोगों का वहाँ का बताऊँगी कि वहाँ का खाना कैसा है, आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. सो फ्रेंड्स, अभी बस रात होने ही वाली है, मगरब का टाइम है और अभी काफ़ी रास्ता पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ. डे में जाना था हम लोगों ने लंच के लिए, लेकिन बस आजकल वही इतने ज़्यादा बिजी हुए हैं, ऑफिस में इतने ज़्यादा बिजी हुए हैं कि इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा. हम लोग लंच पे तो अभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं जाने की, तो डिनर का मैंने इनसे कहा कि चलें डिनर पे चल लेते हैं. इन्होंने कहा चलें ठीक है, डिनर पे चले जाते हैं. नहीं तो मुझे ख़ुद भी ये होता है, ज़रा वीडियो ज़्यादा अच्छी बन जाती है डे टाइम में, सो इसलिए मैं प्रेफर अब लंच ही करती हूँ कि हम लोगों को लंच पे ही जाना चाहिए. लेकिन कोई बात नहीं, रिव्यू तो रिव्यू है. बस जैसी भी वीडियो की क्वालिटी हो, आप लोगों को जो है सपोर्ट करना है. और आप लोगों के लिए है रिव्यू, आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं देखती हूँ जितने मतलब लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मुझे देखते हैं, सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग देख तो लेते हैं यार, प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब भी कर लिया करें, एक लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें. आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, बिलीव मी, कुछ भी नहीं जाएगा. बस एक रेड बटन होता है उसको प्रेस कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आगे बता दिया करें. इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों को मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी. अब मैं आपसे क्लॉक टावर पे जाके मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स, वी आर हेयर एट क्लॉक टावर. अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं. इससे भी बड़ा हुआ.
देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। बीफ निहारी आप लोग कहीं नहीं गए। इतना कुछ है कि आप लोग मतलब देख देख के थक जाएंगे, लेकिन इनकी डिशेस नहीं ख़त्म होंगी। क्या देसी आइटम्स, क्या चाइनीज़ आइटम्स, क्या बारबेक्यू, और इतना कुछ है माशाल्लाह, इतना कुछ है कि मैं देख देख के मैं हैरान हो गई हूँ माशाल्लाह। लिटरली फ्रेंड्स इतनी वैरायटी है यहाँ पे खाने की कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वही तो अपना जो मतलब उनका एक चीज़ फेवरेट है वो लेके चले गए। लिटरली मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या लूँ, मैं क्या ना लूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मेरी आँखें जब पहले जब मैं आ रही थी तो रास्ते में ज़रा मैं ड्राउजीनेस हो रही थी, मुझे ज़रा मैं डेजी ऐसा फील कर रही थी, लेकिन यहाँ आके मेरी आँखें खुली की खुली रह गई हैं माशाल्लाह। इतना कुछ है कि मैं बस मैं आप लोगों को अभी के अभी रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग क्लॉक टावर आइए, और ज़रूर आइए और फौरन आइए। एक्चुअली आप लोगों को किसने दिया है? एक आंटी ने दिया था। आंटी ने दिया है, वाओ ज़बरदस्त। बच्चों को क्या मिला है? नहीं पता क्या है। कलर पेंसिल्स, क्रियॉन्स और कलरिंग बुक, ये इन लोगों ने गिफ्ट दिया है बच्चों को। बड़ी क्रियॉन नहीं है।
फिर क्या है ये? Sort of color. कैसा लग रहा है भाई? मज़ा आ रहा है? मैं वाकई कंफ्यूज हो गई हूँ भाई कि मैं क्या खाऊँ. आप क्या मुझे बोलेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या पिक करना चाहिए? सारी चीज़ें फेवरेट हैं. सारा फेवरेट है मेरा. हलीम है, बिरयानी है. इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि लिटरली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ. सबसे पहले क्या लूँ मैं? मेरा ख्याल है कि मुझे सूप से स्टार्ट करना चाहिए. क्या कहते हैं आप? सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग. ओके ओके. हाउ इज द फूड मरियम? अमेजिंग अमेजिंग. डोंट डिस्टर्ब मी नाउ. और फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार, यहाँ पे मीठे पानी भी है. फ्रेंड्स लाइट बहुत ज़्यादा कम है. सो फ्रेंड्स लाइट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप लोगों को मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे जूस बार्स लगे हुए हैं और टी कॉफ़ी का भी पूरा सेक्शन है. एक टी बन रही है, वहीद ने तो अपने लिए टी मंगाई है और वो टी पी भी रहे हैं. और लेकिन बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, बहुत कम. मैं कह रही हूँ इतना कुछ है माशाल्लाह से, लेकिन बच्चे वही अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कोई डिज़र्ट खा रहे हैं, कुछ सूप पी लिया, लेकिन बच्चे कुछ नहीं इतना खा रहे. लेकिन हमें तो लिटरली जितनी यहाँ पर वैराइटी है फ्रेंड्स, उतना ही मज़े का जायका है, उतना ही मज़े का जायका है, बहुत मज़े का टेस्ट है. और फ्रेंड्स आपको पता है, हाँ, इधर ना एक स्ट्रॉबेरी फाउंटेन और साथ ना मार्शमेलोज और वो जो होते हैं ना स्क्वायर स्क्वायर वाले, वो एक खाने की चीज होती है, वो हार्ड होती है. और ना ओरियो, आपको पता है वो सब लोग वो सारी चीजें रखी हुई है. और वन चॉकलेट फाउंटेन चिल्लाया हुआ है और ना एक स्टिक्स रखी हुई है ग्लास के अंदर बहुत सारी 1000. और फिर ना अंकल ना उसके अंदर से निकालते स्टिक और ना वो मार्शमेलो पे टू मार्शमेलो पे लगाते हैं. फिर ना ऐसे ना उसको चॉकलेट फाउंटेन के अंदर करते हैं, बहुत मजे का लगता है. और खाने के लिए थैंक यू ईशल फॉर इंफॉर्मेशन. सो फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ईशल से मिल गई होगी. और अब मैंने कॉफ़ी का बोला हुआ है तो मेरी कॉफ़ी आने वाली है. वही की चाय तो आ चुकी है. और फ्रेंड्स लिटरली फ़ौरन आइए यहाँ पे. और फ्रेंड्स ये जो है मिरर लगा हुआ है और मिरर से जो है सारा सी नज़र आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अभी डार्कनेस हुई हुई है, लाइटिंग कम है, तो पीछे से अभी नज़र नहीं आ रहा. अगर यहाँ पे मैं लंच टाइम पे आती, लंच वैसे यहाँ पे होता नहीं है, अगर मैं हाइटी के टाइम पर आती यहाँ पर तो ऑब्वियसली सी नज़र आता, लेकिन अभी नहीं आ रहा. लेकिन पीछे जो है वो सारा सी नज़र आ रहा है, हमें बैठे पे आ रहा है. जो यहाँ पे बैठेगा उसको नज़र आएगा पीछे सारा जो है वो सी है. सी के बिल्कुल नियर ही ये बना हुआ है. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर कभी हम यहाँ पे उस पर हाइटी पे भी आएंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कि यहाँ की हाइटी की कैसी है. फ्रेंड्स ये मेरी मज़ेदार सी कॉफ़ी आ गई है. सो फ्रेंड्स खाना वाना टी कॉफ़ी पान मीठा सब कुछ हो गया है. सब कुछ बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए क्लॉक टावर और यहाँ का खाना, यहाँ का फूड इन्जॉय कीजिए, हाई टी इन्जॉय कीजिए, डिनर इन्जॉय कीजिए. बहुत ही ज़्यादा मज़े का था सब कुछ. आई होप कि आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा. अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो सो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कॉमेंट्स ऑन माई चैनल. और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज़.